तो आप सभी का स्वागत करते हैं आलोनी स्टूडियो में। मैं अभी इस वक्त ईटानगर में हूँ। तो अभी मेरा साथ करा है दीपक नाबम लिविंग होम के जो ओनर है, मेरा साथ है। तो इसे हम आज कुछ बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर, ये जो आपने खोला है, एक लिविंग होम खोला है, हर कोई इसको नहीं खोल पाता है, चाहकर भी नहीं खोल पाता है। तो इसको आप कैसे आइडिया लाया है, आप बता दीजिए। जी, मैं आपको सबसे हार्दिक स्वागत करता हूँ आज। और हमारे बीच में जो नारी आवाज़ की टीम यामंग मैडम की अगुवाई से सारे लोगों को ले आया, मुझे दिल से बहुत बड़ा अच्छा लगा। हम जो अरुणाचल प्रदेश में जो पॉजिटिव धर्म फेरम जात पात को पीछे छोड़कर उसको दरकिनार करके इंसानियत के प्रति जो सोचना बहुत बड़ा बात है। और नारी आवाज़ जो अपने नारी को बुलंद करने के लिए, नारी जो लाचार लोगों को, तके हुए कुचलाऊ रोगियों को, उनको मलम पट्टी लगाने का सेवा कर बहुत बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद उन लोग आलो से एक ऐसे जो हम कहते हैं ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ऐसे एक नारी है उनको लाया गया है। और उसके साथ साथ में इस जो संस्था को चलाने का पीछे में मैं भी, आप जैसे जिक्र किया है कि हर कोई कर नहीं पाता है, मैं भी करने का कोई कल्पना नहीं था। परंतु मेरे ज़िंदगी में मैं ऐसे तो कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं समाज का बीच में रिपीटेडली ये बात को दोहराते आया है कि मेरे ज़िंदगी दो हिस्सा में, पहला ज़िंदगी जो छोटा बालक के समय में टीचर के साथ कुकमैन की तौर और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करके आया, उस टीचर का इन्फ्लुएंस में बहुत बड़ा अच्छा रहा। और उन दिनों में सोचा था, तकलीफें सोचा था, लेकिन वो तकलीफ जो आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम आया है, जो असमिस टीचर के साथ, उनके साथ खाना पकाना, उनके कपड़ा धुलाना, उनके लिए चाय बनाना, उनके घर को जो मिट्टी का घर होता है मूसना और बासन बर्तन करना, ये सब ढेर सारे काम होता है करके। और परंतु उसमें से अच्छा खासा ज़िंदगी में जीना, पढ़ाई लिखाई करना कर ही रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा मेरा सिचुएशन आ गया कि रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, गलत दोस्त लोगों का इन्फ्लुएंस में मैं फंस गया, उसके चलते ही एडिक्शन में पड़ गया। और एडिक्शन होने के लिए एक दो रात में एडिक्शन नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है, अल्कोहलिक एडिक्शन। उस एडिक्शन पीरियड में संसार का जो असली प्यार नकली प्यार को, जूता संसार का जूता प्यारा को तभी मैंने समझा है। और उस समय में लोग मुझे रिजेक्शन किया हुआ, और जिंदा लास्ट में ही था, मक्के के साथ आरके मिशन अस्पताल में बहुत समय तक था, पड़ा हुआ था। और मुझे अपने लोग भी 100 बार सोचना पड़ता था, वो मेरा अपना आदमी है बोलने के लिए। तो आज भी यहाँ ड्रग्स एडिक्शंस या अल्कोहलिक एडिक्शंस जो समाज में तके हुए कुचला हुआ रोगियों को कौन पूछता है, अपना आदमी है बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, सच्चाई ये है। और अपना करीबी नहीं होने से भी कोई बड़ा मंत्री हो गया, संतरी हो गया, या कुछ हाई प्रोफाइल हो गया, उसको तो अपना, मेरा अपना आदमी करीबी बोल लेता है, तो आप उसे तो समझ लेता होगा। तो उसी रीति से मैंने समाज को उन मंत्रियों की, उन बड़े संतरियों की, उन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के पीछे दौड़ने का वजह, हम अपने लाचारों का बीच में, थके हुए कुचलाऊ रोगियों का बीच में उन लोगों के साथ जीना अच्छा है। ऐसे होकर मैंने 2005 में यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो दर्द को झेल के देखा है, जिस दर्द को मैंने अनुभव किया, और उसी को मैं सिर्फ अनुभव करके नहीं रहा, मैं सेवा करना आरंभ किया, एक दो जन यहाँ रखा। उसके बाद जैसे उन लोगों का प्रति मेरा अपना सहानुभूति, अपना दया से कुछ समय के रखा, और उसके बाद कैसे ना जाने बात फैल गया, सर आपका वहाँ पे ऐसे जो
मेंटली चैलेंजेस लोगों को रख रहा सुना है, हमारा परिवार में भी ऐसे है, थोड़ा आप रख दीजिए ना, थोड़ा रेशन पानी मंथली हम लोग दे देंगे, ऐसे करने पर हाँ रखिए ना। ये करते करते दूसरों का प्रति एक सहानुभूति, दूसरों का प्रति एक प्यार बढ़ते चलते चलते अब इतना देर सारे बोझ मेरा ऊपर में पड़ गया। और मैं भी ये नहीं सोचा था कि मैं ये संस्था चलाएगा, ऐसा काम करूंगा, कभी नहीं सोचता। छोटा बच्चा को किसी को पूछ देगा आप बड़ा होने से क्या बनोगे, डॉक्टर या इंजीनियर पायलट, हर कोई बड़े अहमद इंजीनियर, मैं डॉक्टर मैं पायलट बनूंगा, वो आदमी बोल लेता है, लेकिन कोई भी इस काम को करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, ये सच्चाई है। और इसलिए मैं भी ये चीज़ को करने के लिए कोई सपना नहीं था। और जैसे जैसे मेरा लोगों का प्रति एक रिलीजन से भी बढ़कर ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर एक इंसानियत का दर्द को समझा है, उन लोगों का प्रति प्यार का हाथ बढ़ाने लगा, तो तब ऐसे बोझ आज मेरे ऊपर में आ गया और वही और ये चला आ रहा है। और उसके बाद ये हम लोग रुपया पैसा ये धन दौलत ये सब मेरा तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल शून्य है, जीरो है। अगर ऐसा होना, ऐसा अगर सोच विचार सेवा के बदले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ पाना है सोचा होता तो कोई मैं अपने करीबी लोग कितना बड़ा बड़ा आदमी हम हाथ पैर जोड़ के कर सकता था। वो बिल्कुल मेरा वो इतना नीच गतिया काम हम नहीं करता, करेगा नहीं है, सोचा ही नहीं है। इसलिए इन लोगों के साथ रहना मेरे लिए बहुत बड़ा एक कम्फर्ट महसूस करते हैं और कर भी रहा और करता रहूँगा आखिरी सांस तक। तो सर अभी देखा गया काफ़ी यहाँ में आपका जो फैशन है, अभी मतलब आपसे जानना चाहेगा कि यहाँ में आपके इधर कितना फैशन है, तो टोटल आप थोड़ा बता सकते हैं। अभी तो हमारा जो यहाँ की टोटल अभी जो एट प्रेजेंट ऑन रिकॉर्ड 320 है अभी इसी वक्त, यस उसमें बराबर है। और उसमें ये क्या बोलते हैं एक्चुअल जो बीमारी अभी जो अनरिकवर्ड और 280 प्लस है, लेकिन जो रिकवर्ड होकर यहाँ पे ये रिकवर्ड वाला ही अभी जो वॉलंटियर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का आदमी मैं ये करूँगा वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ का अब तो हालत को खुद देखा है। तो ना जो यहाँ लोग काम जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं जो रिकवर्ड लोग हैं रिकवर्ड, और वो रिकवर्ड वाला ही आज वॉलंटियर करके बैठ रहा। तो सर फिर से आपको सवाल करना चाहूँगा, तो सर आपके ये लिविंग होम से अभी तक कितना रिकवर हुआ है, और ये मतलब कब से कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तब से अभी तक कितना रिकवर हुआ है, तो आप बता रहे। नहीं नहीं उसको मैं अभी ये ऐसे तो इसको आरंभ में एक दिन में इतना देर सारे संख्या को मैंने नहीं किया, शुरू में तो एक दो करके ही आया है। और ये तो एक लॉन्ग सफ़र है, लंबा सफ़र है, 18 लॉन्ग ईयर्स उसका रिकॉर्ड को अभी आपको लेके सुनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, ये तो हम तो रजिस्टर में जाना पड़ेगा जी। ये तो 2005 से ही आरंभ हुआ है और 2011 में यहाँ हमारी देन चीफ मिनिस्टर फॉर्मर लेट चीफ मिनिस्टर ये जारबुम गामलिन सर जब चीफ मिनिस्टर था, तो गवर्नमेंट की ओर से तब से हम थोड़ा रिकग्निशन को सपोर्टिंग मिलेगा आशा किया था, लेकिन उसका ज़्यादा दिन ऑफिस में नहीं रहा और वो बहुत पॉजिटिव सपोर्ट था। और ये बिल्डिंग को भी सर का समय में ही मैं यह फाउंडेशन लेआउट कर दिया और ऐसे ही करके अभी चला आ रहा है। अभी तो यहाँ मैं ये संस्था को चला रहा और यहाँ से मैं अच्छा करो कभी मैं मार्केट में जाके स्लोगन लगा के और सेल्फ स्टाइल में एक सोशल वर्कर को रिकॉग्नाइज बहुत आगे मैं कर सकता था, मीडिया बुला के या किसी पोतो खिंचवा के मार्केट में सोशल काम कर मैं बहुत कर सकता था जैसे लोग आज कर रहे हैं, लेकिन वो मैं करना नहीं और पसंद भी नहीं करता। और इसको जस्ट रिकग्निशन जो है गवर्नमेंट का 2019 का लास्ट में जब कोरोना काल में कोरोना पीरियड में तब यहाँ उस समय में 102 इनमेट्स था, तो उस समय में खाने पीने को नहीं है या हम बाहर जा पाते ना बाहर के लोग इधर आ पाता। तब यहाँ उस समय कुमकर दौलम सर था डिप्टी चीफ मिनिस्टर,
तो सर के साथ मैसेज करके एसएमएस करके फोन से कनेक्शन करके यहाँ राशन पानी गिराया, तब से मीडिया में भी फैल गया, तब से पब्लिक डोमेन में ये चीज़ को रिकग्नाइज। उसके अलावा तो हम अपने हिसाब से करता रहा, अपना सेवा को करा और दूसरा को क्या दिखाना, ये सोच सोच लेकर मैंने, लेकिन वो अच्छा काम को मैं छुपाने नहीं पाया, लेकिन मीडिया के द्वारा पब्लिक में फैला और पब्लिक से तब हम समझा है, पब्लिक हमारे समाज में भी पब्लिक ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उस अच्छाई को वो लोग भी मैं अच्छा हूँ बोलता नहीं, लेकिन यहाँ जब हमको सपोर्टिंग कोऑर्डिनेशन देने लगा तब मुझे मालूम हो गया समाज में भी इंसानियत सोचने वाला बहुत है। ऐसे ही करके अभी चला आ रहा है। तो सर पहले आपका साथ हम भी घूम घूम के देखा है, तो यहाँ में देखे गए कि बहुत कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है, रूम बनाना है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आप जो हम लोग का गवर्नमेंट है और पब्लिक है उसको क्या अपील करना चाहेगा? अपील मतलब ये, यहाँ फिलहाल अभी तक अभी जो गेट ये फ्रंट में यहाँ 5 रूम है जो बैरिक, ये हमारे ईटानगर ये कैपिटल का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और तामे पासंग सारे अभी मायोर उनका इनिशिएटिव में यहाँ 10 आदमी के लिए एक बैरिक ये फ्रंट में दिया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिंगल पीस भी तो नहीं है। ये वाला अभी जो म्यूनिसिपल का बनाया गया वो है, और दूसरा जितना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा वो अपने लेवल से जितना हो सकता है मैं मैनेजमेंट करके अपने लेवल से चला रहा। लेकिन बीच में 2021 में हमारा आदरणीय चीफ मिनिस्टर ये पेमा खंडू सर एक बार यहाँ विजिट किया था, तो सर का द्वारा एश्योरेंस किया था यहाँ ये 50 बेडेड, फिर यहाँ ऊपर में खुद बाकी 50 बेडेड से नहीं हुआ, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सर भी तो एक प्रो मतलब ये जो हेल्पलेस निधि के लिए जैसे उनका सोच में हमने देखा उसका किया हुआ को एश्योरेंस को, क्योंकि आदमी को समझ जाता है। तो सर यहाँ इनिशिएट किया, यहाँ विजिट करते समय वो 50 लाख अपना ओन पॉकेट से इन लोगों का मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा अनाउंस किया, और उसके बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। तो और 2 दिन के बाद ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों को ऑनरेबल सीएम सर ने भेजा है, तो उन लोग सर्वे किया ड्रोन व्रोन से भी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा बोल के। तो उन लोग एक्सपर्ट लोग बोला है कि आपका यहाँ तो 100-200 होने से अलग बात था, इतने देर सारे मेल फीमेल को सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, और उसका बाद मेंटली जो है गाइडलाइन में मेंटल हेल्थ का गाइडलाइन में उसके रिक्रिएशन एरिया चाहिए, सफोकेशन नहीं होना है, डाइनिंग हॉल अलग, मेल फीमेल अलग होना है, किचन अलग होना है, और हॉस्टल बनाएगा आपका यहाँ तो जगह नहीं जुड़ेगा बोला। तो फिर भी उन लोग सीएम साहब को ये खबर को देगा बोलते, सीएम साहब को उन लोग पहुँचाया होगा, तो वहाँ से फिर खबर आया आपका ये जगह तो है लेकिन बहुत पहाड़ वहाड़ को कटिंग करने हैवी एक्सपेंसिव होगा, और जगह है क्या मुझे पूछा, मैं बोला सर तो जगह तो है ही नहीं, मेरे थोड़ा सा एक ही पीस है ज़मीन उसको उन लोगों को डोनेट कर दिया। तो मैंने बोला सर तब तो आप एक ऐसा काम कीजिएगा, ज़मीन का ऑब्स्टिकल है तो आप जो हम लोग को 50 लाख देगा बोला था वो पैसा नहीं देके ज़मीन में कन्वर्ट करके दे दीजिए बोला। तो पॉजिटिव ऑनरेबल सीएम सर उसको हाँ बहुत बड़ा अच्छा है क्योंकि काम की बात करना है। तब ज़मीन ढूंढने का मुझे फिर इंटरेस्ट किया, फिर मैं ढूंढने लगा यहाँ ईटानगर में इतने देर सारे ज़मीन आस पड़ोस में ढूंढा, और ईटानगर का ज़मीन का दाम इतना महंगाई है, इतना महंगा 50 लाख में क्या ज़मीन मिलेगा। तब यहाँ का टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग बोला कि ये चीज़ को यहाँ शहर का बीचों बीच में करना वो बात नहीं है, थोड़ा सिटी का आउटस्कर्ट में होने से भी होगा बोला। तो सीएम साहब जैसे इंटरेस्ट किया करके अभी दैमुह में ज़मीन सीएम का अपना तरफ से कंट्रीब्यूट किया इन लोगों के लिए, लाचारों के लिए, होम फॉर नो होम। तो उधर अभी सेग्रीगेशन किया ये भी चलेगा,
लेकिन वहाँ भी होगा क्योंकि इतने देर सारे आदमी मेल फीमेल सेग्रीगेशन किया जाएगा। तो ऐसे ही करके अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में इस कारण से यहाँ थोड़ा कुछ आगे बढ़ नहीं पाया इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला में, ऐसे ही पड़ा हुआ है। Okay, thank you, sir. Okay.